नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन मेडिसिन टीवी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको फेक्सोडिस एम टैबलेट का रिव्यू बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब करते टाइम बेल का आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ये जो फेक्सोडिस एम टैबलेट मार्केट में आती है, बायोनोवा कंपनी की आती है, जो कि एक जानी मानी कंपनी है। ये 10 गोली का टैबलेट का पैक आता है। ये जो 10 गोली का टैबलेट का पैक मार्केट में आता है, इसकी कीमत रहती है 115 रुपये, यानी 115 रुपीज। तो पूरी जानकारी लेंगे, दवा क्या चीज़ के लिए चलती है, इसका यूज़ कैसा करना है, इसका इफेक्ट क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है। सबसे पहले, ये दवा डॉक्टर की सलाह के अनुसार डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर लेनी चाहिए। ये दवा आपके नज़दीकी केमिस्ट के दुकान में, मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएगी। इसके कंटेंट के बारे में देखेंगे, क्या कंटेंट कंपनी ने इसके अंदर डाले हैं। इसके अंदर मोंटेलुकास्ट 10 mg एंड फेक्सोफेनाडाइन हाइड्रोक्लोराइड 120 mg, दो कंटेंट से बनी दवा है। बढ़िया कॉम्बिनेशन कंपनी ने किया है। इसके यूजेस के बारे में देखेंगे, क्या चीज़ के लिए चलती है। तो ये जो फेक्सोडिस एम टैबलेट मार्केट में आती है, मेनली आपको कुछ एलर्जी है, कुछ क्रोनिक एलर्जी है, यानी बहुत पुरानी आपको एलर्जी है, पुरानी एलर्जी की वजह से आपको सर्दी है, खांसी है, गले में खराश है, या फिर कुछ स्किन की एलर्जी हो गई है, तो वो एलर्जी से छुटकारा पाने के लिए दवा दी जाती है। यानी आप बहुत सारे दवा यूज़ कर चुके हैं, आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, आपका क्रोनिक एलर्जी का कुछ प्रॉब्लम है, पुराना आपका कुछ एलर्जी की तकलीफ आपको परेशान कर रही है, और बहुत सारे दवा आप यूज़ करने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं पा रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ये दवा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दवा से आपकी जो परेशानी है, आपको जो एलर्जी की शिकायत है, उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। फेक्सोडिस एम मेनली ये दवा आपको कुछ अस्थमा की शिकायत है, क्रोनिक एलर्जी की शिकायत है, कुछ सीजनल एलर्जी की शिकायत है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए यूज़ की जाती है। इसके साइड इफेक्ट के बारे में देखेंगे, दवा से आपको क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। ये दवा की वजह से आपको ड्राउजीनेस की शिकायत आ सकती है, डिजीनेस की शिकायत आ सकती है। ये दवा की वजह से आपको नौसिया वोमिटिंग की शिकायत भी हो सकती है। और भी कुछ साइड इफेक्ट, रिएक्शन, एलर्जी आपको नजर आती है, तो आपके नज़दीकी डॉक्टर से आप मुलाकात कर सकते हैं। इसके डोसेस के बारे में देखेंगे, कैसा लेना है। जनरली इसको 1 टाइम इन अ डे, दिन में से एक बार इसको लेना चाहिए। डोसेस के लिए आप अपने डॉक्टर का भी सलाह ले सकते हैं। ऐसे ही आने वाले बहुत से प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको जानकारी देते रहूँगा, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।